हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे फिर से इस सुंदर वक्त के लिए कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम एक साथ शामिल हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस पेज का, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रदर किशोर का और सिस्टर सोना मसीह का कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आज शामिल हो सकूं आपके पेज से और परमेश्वर के वचन पर हम बातचीत कर सकें। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। सारी आदर महिमा और जलाल हम परमेश्वर को देते हैं। और आज एक खास नया प्रकाशन जो परमेश्वर हमें देता है, जो प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया, उस पर हम बात करेंगे। उस पर हम जानेंगे कि आज प्रभु का वचन क्या चाहता है आपसे मुझसे, कि मैं किस विषय पर आज आपसे बात करूं। तो मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया कि मैं आज उस विषय पर आपके साथ बातचीत करूं। और धीरे धीरे हमारे साथ जो भी मित्र शामिल हों, जो भी भाई बहन शामिल हों, वो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है साफ या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, लेकिन अभी ठीक है। प्रभु का धन्यवाद है कि अभी चल रहा है सब और मैं समझती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं, जलाल हम परमेश्वर को देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और आज उसके प्रकाशन पर जब हम जाएंगे तो मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ना चाहूंगी। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट दीजिए मुझे। यस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति तारीफ और प्रशंसा हो परमेश्वर की, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, सामर्थी और जीवित परमेश्वर है, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। सारी आदर महिमा जलाल हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जीवित परमेश्वर को देते हैं कि वो हमसे बातचीत करता है, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और मैं चाहती हूँ हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, भले ही एक या दो, वो प्रभु के वचन को, उसको आज हम ग्रहण कर सकें, हम परमेश्वर को जान सकें कि आज प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तो मैं वचन पर जाऊंगी, अधिक समय आपका ना लेते हुए हम वचन पर जाएंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड, तेरा धन्यवाद ओ पिता। सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, दयालु परमेश्वर। अभी हमने जब ईस्टर की खुशियां मनाई, यीशु मसीह के जी उठने की खुशियां मनाई, यीशु मसीह की सलीबी मौत को देखा, सारी बातें जो हमने समझी है मसीह यीशु की, उन बातों के बाद आज हम गहराई में जाएंगे कि जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। आज प्रभु आपसे और मुझसे क्या कह रहा है उस पर जाएंगे। तो मैं शुरुआत करूंगी, हम वचन पे जाएंगे और हम देखेंगे यशायाह उसका 64 अध्याय और 6 वचन पर। और इसके साथ ही जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगी, जो भी बातें आएंगी, उस पर भी हम गौर करेंगे, उस पर भी हम प्रार्थना करेंगे। और हम चाहते हैं मन खोलकर अपने एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें और प्रभु को धन्यवाद करते रहें और उसकी आराधना तारीफ और प्रशंसा हम करते रहें, क्योंकि वो सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, उसके कार्य बड़े और महान हैं। वो पिता हमसे क्या बात करना चाहता है आज। तो मैं वचन पर जाऊंगी तो हम देखेंगे जो भी मैं आपको बता रही थी, यशायाह 64 अध्याय और 6 वचन में एक बात है, एक वचन है जिसको हम बहुत बार पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर हम उसको, उसी बात को हम रिपीट करके कुछ मसीही लोग किस अर्थ में इसको समझते हैं, लेकिन आज प्रभु क्या समझाना चाहता है वो देखें। यह इस प्रकार लिखा है कि हम सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान, धार्मिकता के काम, और हम सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि हम, हमारी कार्य जो, यानी कि हम कर्मों से धर्मी नहीं ठहराए जाते, लेकिन
परमेश्वर की दया से और उसके फजल से हम धर्मी ठहराया जाते हैं। ये बात हम सब समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित प्रभु का वचन है और इस पर हम अक्सर ही बातें करते रहते हैं, इस पर हम अक्सर ही गौर करते हुए हम देखे जाते हैं। लेकिन कई बार आपने और मैंने सुना है, कई विश्वासियों को सुना है हमने, और हम जानते हैं कि हम इस बात को क्या समझने लगते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया और अब हमें कुछ करना ही नहीं है, यानी कि हमें कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है, धार्मिकता की आवश्यकता नहीं है, हम ये समझने लगते हैं। लेकिन आज जीवित परमेश्वर, जो प्रभु जीवित है, जो बात करता है, वो आपसे मुझसे कहना चाहता है कुछ बातें, बताना चाहता है कुछ बातें, और कुछ कार्य हैं जो उसने तैयार करे हुए हैं परमेश्वर के लिए, आपके और मेरे लिए तैयार किए हुए परमेश्वर ने वो कार्य। वो क्या कार्य हैं, उन्हीं बातों को मैं समझाना चाहूंगी आज वचन के आधार पर, जो प्रभु चाहता है कि आप आज और मैं इस बात को जाने और ग्रहण करें। देखिए, हम ये समझ गए और प्रभु का वचन भी बार बार बताता है कि हमारे कार्य जो हैं वो कितने भी हम कर लें, उसको दिन भर हम गाते रहे, मैं इतने घंटे वचन पढ़ता हूँ, मैं इतने घंटे गीत गाता हूँ, मैं कितना दान दशमांश देता हूँ, वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया, उसका फजल और मुफ्त है और सबों के लिए है। कितने आनंद की बात है कि उस परमेश्वर का प्यार, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम सबके लिए है और मुफ्त में है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सोना मसीह, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आपके इस पेज पर आकर परमेश्वर के वचन पर कुछ बात कर सकूं, जो प्रकाशन परमेश्वर चाहता है आज आपके और मेरे लिए। तो मैं यही बात बता रही थी कि हम विश्वासी जो काम की बात सोचते हैं, खासतौर से मैं इसलिए ये विषय बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मसीह यीशु को उतना अधिक अभी नहीं जानते या वचन को नहीं जानते, तो वो इस बात पर अक्सर आपने देखा सवाल करते हैं, कर्म की बात पर, कि हम अपने कर्मों से क्या पाते हैं, जबकि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो बलिदान दिया तो हमारे गंदे कर्म, जो कुकर्म थे, वो भी धुल गए। तो वो बात नहीं समझते और वो सोचते हैं कि कैसे किसी मनुष्य की मृत्यु, एक की मृत्यु कैसे सबों को साफ कर सकती है। तो जब वचन में गहराई में जाते हैं, हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह का लहू निष्कलंक था, क्योंकि अति अति पवित्र था। उस बात को हम समझ रहे थे पीछे, जो हमने पिछले सेशंस में बात की, मसीह के रक्त की बात, यीशु मसीह के लहू की बात हम कह रहे थे। लेकिन आज मैं दूसरी बात, एक आसान बात कर रही हूँ, जो कर्मों के ऊपर सवाल था कि हम भले काम, अब तो हमारे लिखा है कि मैले चिथड़ों के समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कह रहा है कि अब हम निकम्मे बैठ जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, ये नहीं कह रहा परमेश्वर का वचन। देखिए, मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, पिछले दिनों हमने इसी सेशन पर बहुत बात की और समझा है जवानों के बीच में, वो है इफिसियो 2:8-10। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्राची मसीह, प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और बहुत आनंद होता है मुझे जब युवाओं को हम प्रभु की आराधना करते, गाते सुनते हैं, बजाते सुनते, अपने स्वरों को प्रभु के लिए जब आप उठाते हो, बहुत प्रभु आनंदित होता है, उस स्वर्ग में भी आनंद होता है और हम सब आनंदित होते हैं इसे जवानों को देख के, क्योंकि वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करो, ताकि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। आनंद की बात, इस समय युवा लोग कहाँ कहाँ आनंद ढूंढ रहे, लेकिन आज भी कुछ युवा हैं प्रभु के चुने हुए जो उसकी आराधना में आनंद लेते हैं, और इतना अभिषेक है कि जहाँ जहाँ सुर जाता है, स्वर जाते हैं, आराधना जाते हैं, वाकई में आनंद मिलता है, अभिषेक को महसूस करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी इफिसियो 2:8-10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण कि ऐसा हो कोई मनुष्य घमंड करे। यहाँ तक की बात सब बोलते हैं, समझते हैं, कोट करते रहते और ज्यादा इतनी, लेकिन इसी के आगे एक सेंटेंस और है, इसी बात के आगे एक सेंटेंस और है जिसको हम कोट करना भूल जाते हैं, ध्यान देना भूल जाते हैं, वो क्या है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। कितनी बड़ी बात,
वो पहले की दो बात है कि हमारे काम बेकार हैं, मैले चिथड़ों के समान हैं, उनसे हमको नहीं मिलती नजात, पर प्रभु के अनुग्रह से मिलती है, उसके फजल और दया से मिलती है, वो समझ गए। लेकिन आगे देखिए लिखा है, मसीह यीशु ने आपको और मुझे सृजा क्यों है, क्यों सृजा है? उन भले कामों के लिए जो पहले से तैयार है। कौन से हैं वो भले काम? यीशु मसीह ने सलीब पर कहा है, तो 7 वचन प्राण देने से पहले कहा, पूरा हुआ। यानी वो मुश्किल मुश्किल जो कार्य थे, जो नजात के कार्य थे, वो तो मसीह ने अपने आप सह लिए सब। अपमान, लज्जा, थूका जाना, हंसी उड़ाना, ठट्टे मार कोड़े, यानी मृत्यु भी सह ली, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली मसीह यीशु ने आपके लिए, और कह भी दिया पूरा हुआ। यानी जितना लिखा था, सारी भविष्यवक्ताओं की बात, सारी प्रभु की योजना, वो उसने बिल्कुल अक्षर अक्षर एग्जैक्टली वैसे ही पूरी करी। तब जान दी वो काम वो पूरा कर चुका। लेकिन पहले से कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रभु चाहता है आप और मैं करें, उसके लोग करें। जो ये वचन अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, इफिसियो 2:8-10, शुरू की बातें पढ़ ली लेते हैं, समझ लेते हैं, बाद की नहीं समझते, क्योंकि हम निकम्मे चाल चलन में चलना चाहते हैं। हम सोचते हैं सब प्रभु ने कर लिया, अब क्या है, बस चर्च जाओ, गाना गाओ, रूटीन की तरह वो सब करो और कहानी खत्म। और ये जो करने का कार्य है वो शायद किसी बड़े प्रचारक का है, या किसी पास्टर का है, या किसी एक व्यक्ति का है। लेकिन नहीं, यीशु मसीह चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हम में से हर एक 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 प्रत्येक, क्योंकि यीशु मसीह की लास्ट बात ये थी। तो आज जो मैं प्रकाशन की बात कह रही हूँ, आपने देखा होगा जब भी मैं वचन सुनाती हूँ तो बहुत ज्यादा मैं उसमें कोट करते हुए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली जो आज आप और मेरे लिए प्रभु कहता है, आप हो सकता है बहुत सारे लोग यकीन नहीं करें, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो यकीन करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। तो वो जीवित है तो वो बात भी करेगा, वो सुनाई भी देगा, वो दिखाई भी देगा, वो प्रकाशन भी देगा। और वचन भी तो कहता है ना आपको बार बार, जब यीशु मसीह जीवित उठा तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा जाके, तुम उस जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज आप और मैं मसीही समझते हैं और बोलते हैं और बस उतनी बात, तो मैं किस तरह से मनाते क्रिसमस, यीशु मसीह के जीने पैदा होने की खुशी में, जिसमें सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ईस्टर, जो बाइबल में भी नहीं है, ईस्टर पे ईस्टर बनी, लिली का फूल और एग खाना है, ये करना वो करना, कार्ड्स देने, उस कार्ड्स में यीशु मसीह के जीवित होने की बात करते हैं। बहुत आनंद की बात है, ठीक है, हम विश करते कार्ड में, लेकिन वो एक हिस्ट्री की बात नहीं थी कि बस खत्म हो गई, जीवित था, एक ही दिन के लिए जीवित था। बाकी आपके मेरी रोजमर्रा के दिन के लिए क्या हमने उसको मरा हुआ समझ रखा है? मसीही लोगों ने जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जीवित है, उसने मुझे प्रकाशन दिया, उसने मुझे दर्शन दिया, तो आपको क्या सुनाई देता है? हाँ, तेरे को तो मिलने आएगा प्रभु, तुझे तो आएगा मिलने, ताने, उपहास। जबकि मसीह यीशु का वचन देखिए बार 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 क्या कहता है। मैं तो युवाओं को बहुत इनकरेज करना चाहूंगी कि बाइबल में 2 बार वो बात है, योएल नबी की पुस्तक में भी है, प्रेरितों की काम की पुस्तक में भी है। पत्रस ने किया, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेलूंगा, बहुत तायत से, और युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, दास दासियों पर भी उंडेलूंगा। सत्य का आत्मा, जीवित परमेश्वर का आत्मा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुझे एक सहायक देके जाता हूं, यानी सत्य का आत्मा जो तुझे सब कुछ बता देगा। तो वो यीशु जीवित है जो आप बोल रहे हो, वो सिर्फ कार्ड में थोड़े ना जीवित है, बाइबल की इतिहास की एक घटना नहीं है कि वो जीवित हो गया था बस, तो जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। और जो जीवित है वो तो बोलेगा भी, वो तो सुनेगा भी, वो बताएगा भी, वो तो बचाएगा भी, वो तो जीवित है, उसको हम मृतकों में क्यों ढूंढते हैं? तो वही बात, वही प्रकाशन प्रभु आज कह रहा है इस वचन के द्वारा। हम सोच रहे हैं तो हिस्ट्री की बात है, ये उस शागिर्द से कही थी, इस शागिर्द से कही थी। मसीह यीशु ने लास्ट बात क्या कही थी? जब बादलों पर उठाया जाता है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा तुझे, एक सहायक देके हर समय के लिए, परमानेंट हेल्पर। माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, प्रेमी प्रेमिका छोड़ दे, पति पत्नी छोड़ दे, सब छोड़ दे, मगर प्रभु की देखो आप योजना,
फिर भी जा रहा है, फिर भी अनाथ नहीं छोड़ता। कैसा बेइंतहा प्यार है, बेशर्त का प्यार है। और जब प्यार बेशर्त का हो जाता है, अनकंडीशनल हो जाता है, तो हम क्या उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं मसीह यीशु तो करता रहेगा प्रेम, मैं इधर उधर दाया बाया चलता रहूंगा, सब कुछ करता रहूंगा। जो मैं बात कर्म की कह रही हूं ना, कर्म की बात मैं क्यों कह रही हूं, कुछ लोगों में तो धारणा है कि आपके कर्म के प्रतिफल आपको मिलेगा। हम कहते हैं कि हमारे बुरे कर्म मसीह ने हटा दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप करो, क्योंकि यीशु मसीह सब जगह क्या कहते थे, मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता, मगर जा और फिर पाप मत करना। हर जगह मसीह यीशु कहते हैं अभी नहीं पाता, जा फिर पाप मत करना। ऐसा तो नहीं है कि वो पाता नहीं था या उसने देखा नहीं था, मगर उसका वो प्यार था बेइंतहा, वो ढांप देना चाहता है अपराधों को अपने लहू से धोके शुद्ध करके। आज मैं इनकरेज करना चाहूंगी, आप जितने भी लोग जुड़े हैं जिन्होंने उसके आत्मा को पा लिया वो दुगना अभिषेक पाए, जिन्होंने नहीं पाया वो चक्के देखो, परख के देखो, जो नहीं जानते वो बाइबल खोलो और देखो पढ़ के कि वचन क्या कहता है। ये बाइबल की आत्मा के वरदान सबके लिए, सबके लिए जो उसके पास आए, और मुफ्त में, मुफ्त सबों के लिए। आप कौन सी जाति के हैं, कौन सी बैकग्राउंड के हैं, कौन सी भाषा के हैं, कौन से रंग रूप के हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी है, क्या आपकी उम्र है, उम्र नहीं बीती आपकी, 90-90 साल के लोग भी उद्धार पा रहे, निजात पा रहे और आत्मा के काम कर रहे हैं। आप देखो 90-90 ईयर्स के, जिन्हें आप सोचेंगे भाई अब तुझे करने को क्या बाकी रहा, तू रिटायर्ड हो चुका बुढ़ा, अब तो बस मरना बाकी। लेकिन वो व्यक्ति भी प्रभु के हाथ में समर्पित होते हैं तो प्रबलता से इस्तेमाल करता है परमेश्वर, सुपर नेचुरल की ओर चले। तो मैं आज क्यों बता रही थी ये बात, क्योंकि प्रभु का प्रकाशन क्या था, पिछले कुछ समय से जब भी मैंने बहुत सारे सेशंस के लिए वचन बना रहे थे, तो प्रभु आज खास तौर से युवाओं के लिए चाहता है। आप सब युवा लोग जानते हैं कि जब हम एग्जाम देते हैं तो दो तरह के एग्जाम देते हैं, थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। आज प्रभु क्या चाहता है, ये थ्योरी 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 पढ़ ली बहुत तुमने, इतने पढ़ लिए हैं ये वचन कि तुम्हारे दिल मोटे हो गए, कान मोटे हो गए, पक गए, सुनते सुनते रट गए तुमको, लेकिन प्रैक्टिकल करने में हम जीरो हैं। क्या चाहते हैं, ये ज्ञान मस्तिष्क में हमने सारा पा लिया, जीवनी थोड़ा ना लिखनी है। क्या हमको आपको मसीह यीशु की जीवनी लिखने का काम दे रखा है, मसीह कहाँ पैदे हुए, क्या क्या किए, कौन कौन शागिर्द थे, कौन कौन जगह के नाम थे, सारी नॉलेज आपने कर ली, थ्योरी आपने कर ली, प्रैक्टिकल कब करोगे, वचन कह रहा है। क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है और वो आने के बाद एक एक को प्रत्येक को उसके कर्मों के अनुसार बदला देगा, वचन ये लिखा है। पहली बार मसीह आए, सब गुनाहों को लेके चले गए, वक्त दे के चले गए आपको, मुझे नम्रता के साथ चले गए। लेकिन अब की बार जो यीशु मसीह का आना है, कोई माने या नहीं माने, कोई हंसे चाहे निंदा करे चाहे सताए, पर आप उसको टाल नहीं सकते। यीशु मसीह का जब आना होगा तो वो कैसे आएगा, पूरे वैभव में, स्वर्ग का राजा होकर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ के साथ आने वाला है बहुत जल्दी। और मसीह का प्रकाशन ये है कि अब तुमने कितना थ्योरी पढ़ लिया, इसको प्रैक्टिकल कब करोगे। प्रैक्टिकल मतलब वो स्वर्गीय वरदान जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए, स्वर्गीय वरदान। कौन से वरदान, जिनको वचन कह रहा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आप और हम क्या करते हैं, आत्मिक वरदान की धुन में नहीं, तरह तरह के नामी गिरामी प्रोफेट जिनके नाम के आगे लगा उनकी धुन में लगे रहे। वो बीमार है तो इस प्रॉफिट के पास जाओ, उसका भविष्य जानना है तो उसके पास जाओ, इसका ये करना है तो उसके पास जाओ। लोगों के पीछे लग गए, चमत्कारों के पीछे लग गए, और प्रभु वो चमत्कार उससे दुगना चौगना आपको देना चाहता है, उसको हम भूले बैठे हैं। जहां कर्म की बात होती है, एक बात और बताऊंगी मैं, जो मसीह यीशु का बहुत स्पष्ट प्रकाशन है, उसको ग्रहण करें। एक आपने सुनी होगी ना बात कि लोग कहते हैं अपने काम से काम रखो, दूसरे के काम में क्यों टांग मार लो, ये बोलते हैं ना। ठीक बात है, बिल्कुल अपने काम से काम रखो, समझ गए। लेकिन अगर मसीह यीशु के काम में, अगर उसकी पवित्र आत्मा के काम में
अत्यंत पवित्र काम में अगर मिलावट होगी, अगर मसीह यीशु के नाम से काम शैतान का होगा, तो मसीही लोग चुप नहीं बैठ सकते। विश्वासी जो खरे वचन के हैं वो कैसे चुप बैठ सकते हैं? तब वो काम ये नहीं है कि अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि अगर मिलावट प्रभु के काम में होने लगी, मिलावट वचन में होने लगी, मिलावट चमत्कारों में होने लगी, झूठी बातों में होने लगी, तब तो प्रभु आज कहता है हमें। अभी हमने देखा कि शायद में तीन हमने बात देखी कि हम उसके फजल से बचाए जाते हैं, अपने काम से नहीं, अपने कामों से नहीं, लेकिन उसने जो हमारे लिए काम तैयार करके रखे हैं। वो कौन से हैं वो काम, कौन से हैं वो काम, देखिए दूसरा कुरंथियों 5:17 में लिखा है, बहुत मनपसंद वचन है ये मेरा, जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो देखो सब नई हो गई। बॉर्न अगेन होने की बात कही हुई है, बॉर्न अगेन होने की, जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि, बिल्कुल नया, सब कुछ नया हो गया कह रहा है, पुरानी बातें बीत गई वो सब नई हो गई। क्या यहाँ पे लिखा है 5% नई हुई, 2-3 में पुरानी ही करूंगा, 5-6 नई करूंगा, 1-2 उधर की ही करूंगा, एक मेरे दोस्त को पसंद थी, एक उसको पसंद थी, मैं वो करूंगा, क्या ऐसा लिखा है? यदि ये लिखा है तो आप नई सृष्टि नहीं हो, फिर आप नए होने का ढोंग मार रहे हो बस, फिर आपको टैग लगे हुए हो जैसे पुराने कपड़े पे, और नए कपड़े में फट जाता है तो कहीं से इधर सिल दिया, कहीं उधर सिल दिया, कहीं से उधर का पैच लगा दिया, कहीं से उधर का पैच लगा दिया, तो आप नई सृष्टि नहीं हो। और वचन क्या कह रहा है, जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कहते हुए झूठी शिक्षाओं को, यीशु मसीह के नाम में झूठी शिक्षा, पवित्र आत्मा के नाम में मिलावट। जो रोज बाइबिल पढ़ता है, अगर बंदा बता रहा है भाई ये चीज गलत है, तो हम समझते हैं दोष लगा रहा है और फौरन लिखने लगते हैं, जज करना बंद करो, दोष लगाना बंद करो। लेकिन आप जानते हैं मसीह के लोग हैं, व्यक्ति पर दोष नहीं लगाते, मैंने भी कहीं पर भी किसी व्यक्ति पे मैं कभी भी दोष नहीं लगाती, लेकिन जो दोष है जो बाइबिल बता रही है, इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहो, इनसे सावधान रहो, वो तो बाइबिल की आज्ञा है। और कितने आनंद की बात है कि जो चीज हमने देख ली जिससे हम सावधान हो गए, तो क्या मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को सावधान नहीं करूंगी? जहां मुझे पता है कि इस मार्ग में लुटेरे हैं, क्या मैं अपने बच्चों को जाने दूंगी उस मार्ग पे? नहीं। वैसे ही मसीह यीशु भी नहीं जान चाहता था, और वो कहता था कि मुझसे पहले भी बहुत सारे हैं। चोर किस कार्य से आता है? सिर्फ लूटने, छीनने, मारने और तबाह करने, शैतान का कार्य। बाइबल बता रही है, यीशु मसीह बता रहा है, मेरे और आपके तो शब्द नहीं है। तो आज का प्रकाशन प्रभु का ये है कि आप और मैं तो तैयार हो जाएं अब प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। प्रभु आज कह रहा है कि निकल जाओ, और आखिरी जो कमांड था यीशु मसीह जाते समय कह रहे हैं, मेरे नाम से ये खुशखबरी बताओ, मेरे नाम से ये सब करो। देखो आप पढ़ के क्या है आखिरी बात किसके लिए कही? हम क्या सोचते, पादरी के लिए कही। पादरियों में भी वो बड़ा पास्टर, वो छोटा पास्टर, वो बड़ा प्रचारक, वो छोटा प्रचारक। प्रभु कहाँ कह रहा है? परमेश्वर का वचन देखो कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बनो। याकूब 1:22 में कहता है ये बात। उसके साथ ही एक खास बात मैं बताऊंगी, जो हम विश्वास की बात कहते हैं तो हम बोलते रहते हैं, मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ प्रभु पे, मैं भी बहुत विश्वास करता हूँ। हम सोचते हैं हमारा एक मैंने शिक्षक को भी सुना, जिसको मैं बहुत सुनती थी पहले, लेकिन मैंने इस तरह की बात सुनी कि यीशु मसीह तो विश्वास करना ही काफी है, बस जब हमने विश्वास कर लिया उसके ऊपर तो हमारा सब कुछ हो गया, काम खत्म, अब हमने कुछ नहीं करना। लेकिन वचन बता रहा है निरंतर काम करते रहो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, जो वो बोलता है, जो वो सुनाता है, जो वो कहता है आपसे मुझसे करने के लिए, उसमें निरंतर हम चलते रहें। क्या कहता है यीशु मसीह का वचन? जैसे हमने देखा था एक स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी वर्षों से, और उसने विश्वास किया, उसको विश्वास था कि मैं वस्त्र ही छूंगी यीशु मसीह का तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो वो ऐसा विश्वास करके घर में ही तो नहीं बैठी रही, कमरे में बंद करके, बस वो वाकई में उसने करा, जिस चीज का विश्वास उसने किया था वो प्रैक्टिकली सचमुच में किया, इतने सारे लोगों के सामने। कितनी लज्जाजनक बात किसी स्त्री के लिए,
इतनी भीड़ में वो गई और उसने बोल के भी बताया कि हाँ मुझे ये बात थी, ये मेरे को परेशानी थी और मुझे विश्वास था। यीशु मसीह ने क्या किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये नहीं कहा उसने तेरे काम ने तुझे चंगा किया, यही कहा तेरे विश्वास ने किया। लेकिन मसीह यीशु जानते थे उस विश्वास को प्रैक्टिकली अमल भी किया है उसने। अगर आप और हम सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं यीशु मसीह है, सच्चा है, अच्छा है, ये है वो है, सब कुछ हम जानते हैं, सारे फैक्ट्स हम बाइबल के जानते हैं, तो फैक्ट्स जानते तो जानिए यीशु मसीह ने शागिर्दों को तैयार क्यों किया था। क्यों किया था? ताकि काम करो उसके जैसे। ट्रेनिंग प्रोसेस था, पहले दिखाया, समझाया, बोल के करके, प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी, और उसके बाद भी नहीं भेजा, पहले उनके एक एक के ऊपर आत्मा का अभिषेक आने दिया। तो क्या मतलब है आपको और मुझे, अगर आप चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से काम करना, जरूरी नहीं है वो काम कह रही हूं मैं मंच पर आना, बोलना, प्रचार करना या गाना गाना या बजाना, इतना ही काम नहीं है। भले ही आप प्रार्थना करते हैं, आप अच्छे प्रेयर वॉरियर हैं, भले ही आप एक बीमार को मसीह के नाम से, वचन तो कितनी बड़ी बात बताता है कि कोई मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो भी प्रतिफल नहीं खोएगा। ठंडा पानी क्या वैल्यू है आज आपके मेरे सामने? पगल मसीह यीशु के लिए ये भी बहुत बड़ा काम है अगर आप उसी ईमान से करते हैं। तो इस विश्वास की बात क्या बता रहा है प्रभु का वचन, कि जब वो आएगा तो आपके एक एक काम का देगा, और ये काम भी उसकी दृष्टि में बहुत बड़ा है, पानी पिलाने जैसा काम। मैं आपको एक गवाही बताना चाहूंगी इसके संबंध में। एक बार एक पास्टर थे और वो अपने छोटे बच्चों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, और वो बता रहे थे कि बेटा हर प्रार्थना जब भी तुम किया करो तो खाने के ऊपर कैसे प्रार्थना करनी है, भोजन के, पानी के ऊपर, सब चीज के लिए धन्यवाद करते हुए हमें यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है और उसको धन्यवाद के साथ हमने खाना है। बच्चे बड़े आनंदित हुए, बड़े खुश हुए, और उन्होंने भी चाहा कि हाँ हम ऐसे ही करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो प्रार्थना करने के लिए बैठे, भोजन करने बैठे वो सुबह ब्रेकफास्ट में, और जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और बताया कि प्रार्थना करो प्रभु जो आपने ये भोजन दिया है ये बहुत अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद, जिनको नहीं मिला धन्यवाद, बच्चों ने भी करे। और भोजन खत्म हुआ, रखा, बंद करा, मतलब दुआ जब खत्म हुई तो उनकी बातें अपनी जब शुरू हुई तो वो बात करने लगे, इस खाने में नमक ज्यादा, उस खाने में तेल कम है, उसमें वो ज्यादा है, उसमें ये ऐसा है, वो वैसा है। और उसके बाद अपनी जब रोजमर्रा की बातें आई तो वो कुड़कुड़ाने, बुदबुदाने की बात शुरू हो गई, मेरी बीवी ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी नौकरी ऐसी, जितने लोग मेज पर हैं सबकी अपनी 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 कुड़कुड़ाहट। तो बच्चा छोटा आया, बच्चे कितने भोले और मासूम होते हैं, कई बार परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। तो वो बच्चा आके पूछने लगा अपने पिता से, पापा अभी जो हमने प्रार्थना करी थी क्या वो प्रभु ने सुनी होगी? उसने कहा हाँ अवश्य सुनी होगी, मैं जो भी हम प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से प्रभु सुनता है। बच्चे ने कहा आपने सबके लिए प्रार्थना की, अच्छा दिया, वो अच्छा दिया, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छा खाना, सब कुछ दिया, आपका धन्यवाद, सुना होगा? उसने कहा हाँ। बच्चे ने कहा प्रार्थना के बाद आपने जो कुछ कहा, ये वैसा, वो वैसा, वो वैसा, ये भी तो सुना होगा परमेश्वर ने, क्या ये नहीं सुना होगा? वो पास्टर सोच में पड़ गए। पास्टर को 5 साल के बच्चे ने कितना बड़ा सबक सिखा दिया, उस पास्टर को जो सदियों से, पीढ़ियों से कितने लोगों को सबक सिखा रहा था, वो छोटा सा सबक 5 साल के बच्चे ने सिखा दिया कि हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं वो सब कुछ प्रभु सुनता है, क्योंकि वो जीवित है। और बाइबिल भी पूछ रही है, आप भी पूछ रहे हो कि उस जीवित परमेश्वर को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, मृतकों में क्यों ढूंढते हो? आज भी हम सब तरह की वो बातें देखते हैं जो प्रभु की जीवित आत्मा को शोकित करती है, प्रभु की आत्मा को शोकित करती है। और प्रभु कह रहा है अब मैं बहुतायत से आत्मा के वरदान उढ़ेलने जा रहा हूं। संदीप कुमार से थी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया। मैं चाहती हूँ जो भी लोग वचन सुने, समझे, एक के पास भी जाए, एक भी प्रभु के आत्मा के वरदानों की भरपूरी पाए, अभिषेक है तो और दुगना, डबल अनॉइंटिंग पाए प्रभु की, क्योंकि प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करना चाहता है, आप जो भी क्यों ना हो। हम नहीं चाहते, मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी नहीं मगर हाँ 12-13 साल की, मुझे वो वचन बहुत पसंद था जिसमें पतरस और यूहन्ना जाते थे
और वो उनके लिए लिखा था दे आर सिंपल एंड अनस्कूल्ड पर्सन्स, वो साधारण मनुष्य थे, कम पढ़े लिखे मनुष्य थे। वो जाते थे तो उनके पास एक लंगड़ा आता था, तो वो क्या कहते थे, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम में चल फिर। बहुत ही प्रभावित करने वाली बात है ना, क्या आप और मैं नहीं चाहते? कितने लोग हमें दिखते हैं, सच इतना कंपेशन प्रभु का होता है, कभी लगता है ये होता तो इसको ये दे देते, वो होता, लेकिन हर इंसान लिमिटेड है। तब हम क्या सोचते हैं कि काश वही मिरेकल वाला बात होती, काश पत्रस यूहन्ना की तरह आप और मैं भी बोले सोना चांदी तो नहीं है, मसीह यीशु के नाम में चल फिर, और वो चलने लगे। ये कोई कहानी या डायलॉग नहीं है, ये हवाई चमत्कार की बातें नहीं है, बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। और इसको कह रहा है चख के देख ले, परख के देख ले, करके देख ले, मुफ्त सबों के लिए, जो कोई मसीह के नाम में विश्वास से आएगा, ये सब के लिए है, ये सारे के सारे वरदान जिनको प्रभु कह रहा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। पूजा सिस्टर, प्रभु आपको भी बहुत ऐसे इस्तेमाल कर सकता है और कर भी रहा होगा, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर जानता है कि जितने भी लोग प्रभु की योजना से आ जाते हैं या जहां पर भी वचन जाता है, कितने आनंद की बात हो कि हम वो आत्मा के सारे वरदान पाएं, पवित्र आत्मा के सारे वरदान। देखिए कितने, एक प्रभु ने मुझे दर्शन बताया, समझाया, क्योंकि ये प्रकाशन की जो मैं बात बता रही हूँ बहुत ऐसे, इसमें से कुछ बातें कल की कलीसिया इबादत में भी हमने बोली, क्योंकि ये नया कुछ बहुत सारे नए प्रकाशन प्रभु के मिले हैं आज, खास तौर से युवाओं के लिए। मैं नहीं जानती कितने लोग यकीन करते हैं, लेकिन अगर आप ये यकीन करते हैं यीशु जीवित है, तो जीवित व्यक्ति बोलता है, बताता है, समझाता है, सिखाता है, देखता, सुनता, समझता सब है। बाइबल क्या कहती है, तेरे विचारों को मैं जानता हूँ, दूर ही से पहचान लेता हूँ। आपको मुंह खोलने की, शब्दों की और आवाज की भी जरूरत नहीं है, प्रभु आत्मा आत्मा से बात करती है, आत्मा आपको सिखाती भी है। वचन कहता है मैं नहीं जानता प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे लिए आहें भर भर के दुआ करती है, आहें भर भर के। तो वही प्रभु का प्रकाशन था। तो प्रभु का प्रकाशन था इस प्रकार कि यदि आपको और मुझे एक गिफ्ट मिले, किसी भी प्रियजन ने दिया हो, मानिए बहुत सुंदर रैपर हो उसका, वो बनी हुई हो और उसके अंदर हमारा मनपसंद बेशकीमती तोहफा हो, चाहे वो हीरे जवाहरात हो, चाहे वो कार की चाबी हो, चाहे वो बंगले की चाबी हो, चाहे वो कोई गैजेट हो, जो भी आपकी इच्छा है हो सकता है। तो प्रभु कह रहा है वो तुमको मिला है, दिखा रहा, बहुत खुश हो रहे, बहुत आनंदित हो रहे और रख ले रहे हैं, कबर्ड में रख दे रहे हैं। कब तक रखे रहोगे रैपर को, तुरंत खोल खोल के निकाल के निकालते हो ना, अपने गिफ्ट पहनने लगते हो, यूज करने लगते हो। तो प्रभु कह रहा है मैंने जो वरदान दे रखे हैं, आत्मा के वरदान, वो तो सबको दे रखे हैं, प्रत्येक आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मुझसे मांगोगे तो पाओगे, ये कह रहे हैं। लेकिन हम, अफसोस की बात है, यीशु मसीह मीडिएटर जो एक है उससे मांगने की बजाय व्यक्ति से मांगने जाते हैं। कैसे व्यक्ति से, जिसके रेट फिक्स है, रेट सारे, बहुत सारे झूठे प्रचारकों के, मैं किसी प्रचारक को दोष नहीं लगा रही, प्रभु का प्रकाशन जो कह रहा है ऐसे लोगों से सावधान रहो, जो भी कोई करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, हर चीज के रेट, फोन पे बात करने के रेट, दुआ करने के रेट, चंगाई के रेट, गाना गाने के रेट, कव्वाली के रेट, कन्वेंशन के रेट, आने जाने के रेट, प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें दिया हुआ है वो खोल लो, वो गिफ्ट जो बंद रखा हुआ है, अनओपन गिफ्ट, कब खोलोगे? और वचन क्या कह रहा है, प्रभु के वरदान कैसे हैं, शार्प रहने चाहिए, शार्प। प्रभु का वचन की एक दूसरा नाम है, बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, तलवार मजा का बात है, शार्प होती है, जब कटाकट काटती है, तब जब जंक लगी हुई हो, ब्लंट हो, पड़ी हुई हो सालों से। बहुत सारे लोग तो हम जानते ही नहीं है, हम सोचते हैं बस इतना काफी है, कर्मों की बात जो हो रही है, दिन भर मैं बाइबिल इतनी घंटे पढ़ता हूँ, इतने सारे अटेंड करता हूँ, वो वाली ऑनलाइन, ये वाली खुद जाके करता हूँ, गाना गाता हूँ, दुनिया भर के हम काम जितनी क्षमता है बता देते हैं कि मैं ये करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बाहरी रैपर आपने देख लिया, आप जान लिया यीशु मसीह है, उस व्यक्ति को करता है, उसको करता है, उसको करता है, मुझे भी करता है।
लेकिन आप ये नहीं जानते वो आपको प्यार तो करता है, आपको बचा तो रहा है, लेकिन वो कह रहा है अब मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूँ प्रबल रीति से, एक एक को, एक एक को मुफ्त प्रकाशन सबके लिए। प्रभु आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है जब हम प्रार्थना में जाएं और अपने बुरे कार्यों से फिर कर, क्योंकि परमेश्वर अति अति पवित्र, अत्यंत पवित्र परमेश्वर है। उस पवित्र के सामने जब हम जाते हैं, आप और मैं सब जानते हैं यीशु मसीह को सब प्यार करते हैं, यीशु मसीह को सब पसंद करते हैं। किसी को आपने सुना नहीं मसीह यीशु को बुरा कहे, लेकिन इन झूठे लोगों ने, जिसको प्रभु कह रहा है कि तुम्हारे कामों को देखे तो प्रभु के नाम को महिमा मिले, वो महिमा दिलाने की बजाय दूसरी पिक्चर अगर हम पेश कर रहे हैं मसीह की, मसीहत की, उसकी बातों की, हम दूसरी पिक्चर। यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं जब आने वाला हूं तो किसको लेने आऊंगा, दुल्हन की केक। दुल्हन की एक दृष्टांत दी हुई है कि यीशु मसीह जो आएगा अपनी दुल्हन को लेने, दुल्हन एक कलीसिया, एक क्या उसमें लिखा है, पेंटिकोस्टल को लेने, बॉर्न अगेन को लेने, मेथोडिस्ट को, सीएनआई को, बड़े प्रचारक को, पहले छोटे प्रचारक को बाद में, ऐसा लिखा है क्या। एक देह मसीह में, सब एक देह, एक ही दुल्हन है, और वो कैसी होनी चाहिए, निष्कलंक, जिसमें ना पाप, ना धब्बा, ना झुर्री पाई जाए। देखो बाइबल में ये लिखा, निष्कलंक कलीसिया को लेने ही आएगा। यदि हम निष्कलंक नहीं तो हम कलीसिया ही नहीं है, फिर हम अपने को झूठा झूठा दिलासा दे रहे हैं कि मैं अभी कलीसिया में शामिल हूं। क्यों नहीं है, कलीसिया की दुख में सताव हो रहा है, एक चर्च को सताव हो रहा है, दूसरा मौज मार रहा है, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही, तो आप कैसे एक देह हैं। यीशु मसीह तो इस सारी कलीसियाओं के नाम बता रहा है प्रकाशित वाक्य की किताब में। प्रकाशन क्या दिया है, सातों कलीसियाओं के नाम सहित लिखा हुआ है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, सातों का नाम लिखा हुआ है। देखेंगे हम तो प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में आप देख सकते, हर एक के कामों को, उस समय के कलीसियाओं के डिटेल नाम काम सब जानता है प्रभु। तो क्या आपके मेरे काम नहीं जानता, उसका आत्मा नहीं जानता। मनुष्य को धोखा दे सकते हैं लेकिन प्रभु का नहीं। तो आज प्रभु के प्रकाशन के साथ जो एक दृष्टांत दिया था यीशु मसीह ने बाइबल में, और उस तरह का था वो तोड़ो का दृष्टांत, मत्ती 25 अध्याय में सबको अलग अलग तोड़ा दिया है ना, और आके पूछा स्वामी ने, तोड़े मतलब टैलेंट, हर किसी को पादरी बनने को, प्रचारक बनने को, वर्शिपर बनने को नहीं कहा है। आप अगर किसी के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हो एक बीमार के लिए, वो भी मिनिस्ट्री। आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हो वो भी मिनिस्ट्री है। आप किसी से प्रेम करते हो सच्चे हृदय से, वो भी मिनिस्ट्री है। लोग सोचते दिखाने के लिए शोबाजी करते हैं ना, जिसे पे कोई काम नहीं होता वो शोबाजी करता है, वो मिनिस्ट्री करने लगता है, ये बोलते हैं। प्रभु की आत्मा को शोकित करने के कार्य, आप जानते हैं मदर टेरेसा जैसे लोग जिनका कितना प्रेम, कितना कंपैशन है कि बयान ही नहीं किया जा सकता, और कहते हैं शोबाजी करने के लिए करते, तो आप करके दिखाओ। एक कोढ़ी को साफ हाथ से करके दिखाओ, गले लगा के दिखाओ, प्रेम करके दिखाओ, और फ्री में करके दिखाओ, बिना लाभ के करके दिखाओ। तो प्रभु की आत्मा इतना शोकित होती है कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए लगा है, पूरे जगत से प्रेम किया मसीह ने, पूर्ण संपूर्ण जगत से प्रेम किया, मुफ्त में किया, उसको कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ना उसकी चंगाई पे टैक्स लगा सकते हो, ना उसकी प्रार्थना, ना उसके गीत गाने के लिए आप टैक्स लगा सकते हो। यदि करते हो तो आत्मा को शोकित करते हो। तो मसीह आके जब पूछेगा उसी के समान, जो तोड़ो का दृष्टांत है, प्रत्येक को अलग अलग दिया, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बहुत बड़ी बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जो भी हो, प्रभु आपसे वहां पे ये नहीं पूछेगा कि तुम कौन हो या कौन से पद के हो, वो बस यही बात पूछ रहा है, जो करके आया उसको बोला धन्य है विश्वासी दास, तू थोड़े में विश्वासियों के रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। दास क्या उसने, धन्य है बड़े बिशप, धन्य है वर्शिप लीडर, धन्य है यूथ लीडर, ये सब टाइटल बोल रखे हैं क्या? नहीं, सेवक का हृदय चाहता है प्रभु, नम्रता, दीनता, ताकि आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाए, बहुत वस्तुओं का अधिकारी। तो आज आप और हम क्या कहते हैं, निकम्मे दास के समान, अननोइंगली, हम देखो जानते नहीं, हम सोच समझते नहीं कि प्रभु का प्रकाशन है,
बहुतायत से प्रकाशन है। और जो लोग नहीं यकीन मानते, तो आप अभी रिसेंटली बोल रहे थे, गा रहे थे, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। जो जीवित है वो बोलता भी है, बाइबल बताती है स्मॉल स्टिल वॉइस में। और अगले सेशंस में हम बात करेंगे उसकी आवाज़ को कैसे समझें, कैसे आत्मा में बढ़ें, कौन कौन से वरदान कैसे पाएं, और बहुत सारी गवाहियों के साथ, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों को। यकीन भी नहीं करोगे आप कैसी कैसी उनकी स्थिति है, इतने बुजुर्ग, अभिषेक से भरपूर, अभिषेक से भरपूर। और फेमस लोग नहीं है, फेमस या बिना फेमस का कोई मतलब नहीं है। मतलब है तुम सच्चे विश्वास योग्य दास हो या निकम्मे दास हो। निकम्मे किसको कहा हुआ है, जो कह रहा है मैंने तो सब कुछ ये रखा हुआ है प्रभु, जो तूने दिया था वैसी का वैसी, जो तेरा था आके ले ले। देखो मत्ती में किस दृष्टांत का मतलब यही है कि हम जो सोच रहे हैं ये प्रचारक का कार्य है, ये मिनिस्ट्री वाले का कार्य, लेकिन नहीं है। प्रभु कह रहा है मैं चाहता हूं सब लोग अब तैयार हो जाओ, सब लोग तैयार हो जाओ, हर आयु के, हर स्तर के। क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहा है आप निकम्मे दास हो या विश्वासियों के दास हो। बस आपका ओहदा, आपकी सुंदरता, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धिमानी। एक लोगों में ट्रेंड चला हुआ है मेरे कितने फॉलोवर है, मेरे ये शोबाजी चलती रहती है, मेरे फॉलोवर कितने, मेरे फॉलोवर कितने। फॉलोवर किसके बनने, सब यीशु मसीह के फॉलोवर बनने हैं। एक कलीसिया, 10-15 कलीसिया को लेने नहीं आएगा मसीह, एक दुल्हन को लेने, निष्कलंक वाली को। तो अगर आज आप में दाग है, धब्बा है, झुर्री है, यानी कि कोई भी ऐब है, तो प्रभु उसको उखाड़ उखाड़ के अभी नहीं दिखा रहा है। प्रभु तो अभी भी कह रहा है मैं तुझ में कोई दोष नहीं पाता, जा फिर पाप मत करना, जा फिर पाप मत करना। लेकिन हम लोग फिरते नहीं, हमारी आत्मिक आंखें बंद हुई हुई है। तो प्रभु का वचन आज हमसे कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14 में है इस प्रकार, 15-21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और देखो अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:15-21 वचन पढ़ा, जो उससे प्रेम करेंगे और आज्ञा मानेंगे, यीशु मसीह का वायदा, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा, वही सत्य का आत्मा जिसमें लिखा है जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। क्या यीशु मसीह ने ये कहा, क्या वो तुमको थोड़ा सा बता देगा, बाकी नहीं बताएगा, बाद में पता चलेगा क्या ऐसा कहा है, नहीं। हर जगह मसीह यीशु ने यही कहा है, हर जगह मसीह यीशु ने यही कहा है। मुझसे वचन भी कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। स्वर्ग सचमुच वास्तविक है, नर्क सचमुच वास्तविक है, स्वर्ग दूत है, दुष्ट आत्माएं हैं, ये सारी बातें कौन बताएगा, यीशु मसीह ही बता सकता है क्योंकि वो स्वर्ग से आया है। यहाँ वाला व्यक्ति कैसे बताएगा जिसने देखा ही नहीं। लेकिन मसीह ने सब कुछ आपको मुझे बता दिया, और फिर भी कह रहा है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा जब तू गुमराह होने लगे। देखो वचन में लिखा है, कंफ्यूज होने लगे, इधर चलूं उधर, तो वो आत्मा कान में बताएगा। वचन कह रहा है कान में बताएगा, मार्ग यही है, इस पर चल। क्या आप और मैं नहीं चाहते हमारे बड़े बड़े डिसीशंस में, हमारी बीमारी परेशानी में, सताओं में, वो प्रभु का आत्मा बताए हमें। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक दो को बताता है, वो सबको बताता है, लेकिन हम तैयार हैं, अपने कान खोले हैं हमने या नहीं। मैं एक गवाही के साथ खत्म करूंगी, एक गवाही वाकई में सच गवाही है। एक बच्चा है, तो वो बच्चा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड था जिसकी स्पीच बहुत क्लियर नहीं थी, थोड़ा सा परेशानी थी उसको। तो उसी के घर में जब दूसरी उसकी बहन हुई, बच्ची छोटी, थोड़ा बड़ी हुई तो उसको लगने लगा कि बच्चा ही था क्योंकि मैच्योरिटी में नहीं है, तो वो सोचने लगी ये क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता, ये क्या कहता है मुझे समझ में नहीं आता। उसने माता पिता से कहा आपने, अरे ये वाला भाई मुझे नहीं चाहिए, इसको चेंज कर दो, दूसरा वाला चाहिए मुझे। माता पिता ने समझाया, प्रेम करा, कुछ दिन छोड़ दिया। 2-3 हफ्ते बाद उसने फिर बोला, कुछ छोड़ दिया, फिर 2-3 हफ्ते बाद वो फिर बोला, सिर्फ 3 बार जिंदगी में बोला। उसके बाद जब आपसी प्रेम हुआ, आपसी कन्वर्सेशन हुई, एक संगति में रहने लगे, एक प्रेम में बढ़ने लगे, तो वो इतनी छोटी बच्ची उसकी सब बातें समझने लगी, भले ही वो क्लियर नहीं थी।
भले ही स्पीच क्लियर नहीं थी, जो बड़े बड़े नहीं समझ पाते वो समझने लगी। क्यों? क्योंकि उसने कान खोले उसके लिए और उससे प्रेम किया और उसकी संगति में रही। और मैच्योरिटी, 2 साल की थी तो 3, 4, 5, 6 बड़े बड़े होते होते समझ, मैच्योरिटी। लेकिन मसीह यीशु का प्रकाशन यह है कि तुम्हें कितने साल लगेंगे मेरी आवाज सुनने के लिए, कितने और साल लगेंगे मेरी आवाज सुनने के लिए। तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते? वो जीवित है और हम घोषित करने में लगे हैं, नहीं अब नहीं बोलता है, अब नहीं दिखता है। जो जीवित है वो बोलेगा, वो देखेगा, वो सुनेगा। उसी पे मैं फोकस रखना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह आपके सारे कार्यों को जानता है। और वचन कहता है ये निर्बुद्धियों डांट लगा रखी, आज जो जरा सा डांट दे तो लोगों को बुरा लग जाता है। प्रभु का वचन कहता है जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है, जिससे अपना पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। हम आनंदित हैं, हम धन्य हैं कि प्रभु हमारा ऐसा है कि जब हम डगमगाने लगते हैं तो ताड़ना भी देता है। जैसे हम अपने बच्चों को गलत राह पे चलने नहीं देते, ताड़ना देते हैं, वैसे ही वचन चाहता है आज ताड़ना देके कि बुरे मार्ग से फिर जाओ, ताकि तुम्हें देखे तो मेरे पिता के नाम की बढ़ाई हो, मुंह काले ना हो सबके, मसीहत के नाम पे धब्बे लगा के बैठे हुए, बिजनेस चला के बैठे हुए हैं, जिससे यीशु मसीह का खुद का आत्मा शोकित था। मसीह तो यीशु खुद ही कह रहे थे मेरे घर को, प्रार्थना के घर को, दुआ के घर को, हाउस ऑफ प्रेयर को तुमने क्या बना दिया है? डाकुओं की खो बना दिया, डाकुओं की खो। वो यीशु जिसको कीले ठोक रहे हैं, मार ही डाल रहे हैं, फिर भी कह रहा है पिता इनको क्षमा कर दे, फिर भी प्यार, तरस, मोहब्बत, माफी सब कुछ है। वो यीशु मसीह, वो बर्दाश्त कर लिया अपने पे सब सितम, लेकिन प्रभु के कामों में खिलवाड़, पैसा कमाना उसने स्वीकार नहीं किया। वो गुस्सा जायज था गुस्सा, तो वचन भी बोलता है, डॉक्टर भी ऐसे ही करता है, जब बीमारी हो जाती है तो कड़वी भी दवाई देता है, मीठी मीठी गोलियां नहीं देता रहता आपको। जिस अंग में कैंसर हो जाता है उसको काट के फेंक देता है ताकि औरों पर ना लगे। तो क्या ये दोष लगाना है या बाकी के अंग को बचाना है कि बाकी तो जीवित रहो, गलत चीज को हटाओ? वही आत्मा प्रभु का आज आपसे मेरे से कह रहा है कि मेरे घर को डाकुओं की खो मत बनाओ। मेरे नाम को जो मसीह की वाकई में पिक्चर थी, जो यीशु मसीह है, सिंप्लिसिटी के साथ, प्यार के साथ, तरस के साथ, सबों के लिए है, सबके लिए जितने उसके पास आए, उसको एक हमने नई पिक्चर बना के अगर पेश किया है तो प्रभु का आत्मा उससे खेदित है। और दूसरी बात, जो उसका वायदा है उसको रिसीव करो कि अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से उड़ेलूंगा, अभिषेक को, बहुतायत वाले अभिषेक को। हमने देखा था पीछे कि पिछले दिनों में जो है लिखा है अभिषेक कम होता था, सैमुएल की पुस्तक में देखेंगे तो लिखा है कि विजन कम होता था, ऑडिबल वॉइस सुनना जो है किसी अभिषेक पे, जो सैमुएल आवाज आ रही तो सैमुएल समझ नहीं रहा, लिखा है उस समय अभिषेक कम होता था। लेकिन आप उनमें जिस समय में उसमें अभिषेक प्रबलता से दूंगा, ऐसा वायदा है दो जगह, योएल की पुस्तक में भी, प्रेरितों के काम में भी। क्या आप चाहते हो वो दुगना अभिषेक? क्या आप चाहते हो? यदि हाँ तो मैं नहीं दे सकती, व्यक्ति नहीं दे सकता, कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट वो व्यक्ति क्यों देगा आपको, जब मीडिएटर है यीशु मसीह मार्ग में, सत्य में, जीवन में। आप जीवित को छोड़ के मुर्दा के पास जा रहे पूछने, क्योंकि जो व्यक्ति है वो मिट्टी है, वो मुर्दा ही है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन व्यक्ति से पूछने जा रहे भविष्यवाणी। तो आज प्रकाशन जो मैं बता रही हूं, दो, चमत्कार देखने जा रहे हो तो प्रभु का जवाब क्या है, भविष्यवाणी देखने जा रहे हो तो जवाब क्या है, सुनिए। चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमारे जैसे घृणित, अयोग्य, पापी, ये ना कहो हमने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि वचन बताता है दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे मैंने कुछ पाप नहीं किया। जितने हैं जाने अनजाने हर किसी से गलतियां, पाप होती है। जो कहता है मैंने नहीं किया, बाइबिल कह रही है, वो झूठ बोलते हैं, मैं नहीं कह रही, बाइबिल कह, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ पाप है। चमत्कार ये कि हम पापी, हम अयोग्य, हम निर्बल, हम निर्बुद्धि, हम क्षणिक आज हैं या नहीं, हम अपनी सांस पे, अपनी जिंदगी पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें हम प्लानिंग करते हैं, पता ही नहीं है वो कल हम है भी कि नहीं जीवित। अपनी सांस हमारे हाथ में नहीं है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने
अपने खून का दाम देकर खरीद लिया है, माफ कर दिया है और कहता है काली घटा के समान में तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, लेखा भी नहीं लूंगा, लेखा भी नहीं लूंगा यदि हम फिरे तो, यदि नहीं फिरोगे तो वो लेखा लेने आने वाला, ये भी वचन बताते हर एक को उसके कार्यों के अनुसार। जो लोग पूछते ये दो आयते आपस में विरोधाभास क्यों है, विरोध क्यों कर रही है, इस मायने में कर रही है क्योंकि प्रभु बार 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 मौका दे रहा है आपको, अभिषेक चंदा यस बार बार मौका दे रहा है आपको, रजनीश आइजेक हमें क्या कह रहा है प्रभु कि मैं भी तुझ में कोई पाप नहीं पाता। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि उसने हमको मौका दे दिया है, वो नजात में जाने के लिए मौका दे दिया है। सबसे बड़ा चमत्कार जो फ्री में रिसीव करा हुआ है, जो चमत्कारी बाबा नहीं दे सकते आपको आंखों में धूल झोंक झोंक के। और एक और बात बता रहा है कलाम, चमत्कारों से प्रभावित ना हो क्योंकि चमत्कार दुष्ट आत्मा और शैतान भी करता है। देखो आप बाइबल में एक जगह नहीं बहुत सारे विवरण है, डिटेल में जाएंगे एक दिन शैतानी आत्माओं के बारे में। तो क्या बता रखा है, जब मूसा ने प्रभु की सहायता से वो चमत्कार हुआ कि उसकी लाठी सांप बन गई, तो एक जादूगर ने भी वैसा ही कर दिया, उसके भी बन गई और दोनों वो सांप जो बन गए वो लड़ाई होने लगी, मगर देखिए वो प्रभु का में विजय पाई, उसने उसको निगल लिया। कहने का मायने ये है कि आप चमत्कारों से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो प्रभु का एक वरदान, आत्मिक वरदानों में एक वरदान है आत्मा की परख का वरदान, जो मैं मानती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है खासतौर से इस समय के लिए, जिसको आत्मा की परख का वरदान है। अब दुनिया बोलती रहे दोष मत लगाओ दोष मत लगाओ, लेकिन वचन कह रहा है आप दोष नहीं लगा रहे हो, आप सावधान रहो। बाइबल कह रहा है झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, इनको मैंने नहीं भेजा, ये मेरे नाम से नोट कमाने वालों से सावधान रहो, इतना बोल रहा है ये प्रभु का प्रकाशन। सोने नहीं देता अपने लोगों को, यकीन नहीं करेंगे आप, इतना प्रकाशन बैठने नहीं देता। बताओ बताओ मेरे युवाओं को, बताओ मेरे जवानों को, बताओ प्रभु चाहता है जवानों को सचेत करना। और दूसरा बात भविष्यवाणी, मेरा भविष्य, मेरा भविष्य, उससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो, प्रॉफिट से पूछो मेरा भविष्य। भविष्य तो आपको बाइबल बता चुकी साफ साफ, यीशु मसीह बता चुका क्या है, मैं जाता हूं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जहां तुम मेरी संगति में रहो, स्वर्ग अनंत जीवन, जहां न मृत्यु न पीड़ा न विनाश न आंसू न दुख न कोई भी परेशानी होगी, वहां जाता हूं तुमको लेने के लिए। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह देखे गए हैं, चमत्कार भी आपको बता दिया, भविष्यवाणी भी बता दी, जो अनंत है और वो ऐसी है कि ना आप शक्ति से ना धन से ना पूरी जमीन जायदाद लगा लो, ना मेरा बाप किस ओहदे पे है, ना मैं किस मिनिस्टर को जानता हूं, आप ना उसको खरीद सकते हो और ना आप उसको छीन सकते हो। चाहे आप मसीहों को सता सता के जो हाल कर लो, वो उनसे छीन नहीं सकते आप। वो आत्मा का तोहफा अमूल्य, फ्री में यूं ही देके जा रहा है यीशु मसीह, ऐसा बेइंतहा प्यार। तो वो वही कह रहा है कि जब प्यार बेइंतहा हो, अनकंडीशनल हो, तो उसको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। प्रभु चाहता है आज आपको और मुझे, वो ये प्रकाशन दे रहा है कि ये बातें भूल जाओ, मेरे कितने फॉलोवर, उसके कितने फॉलोवर, उसका कितना क्या, ये तो दुनिया की बात, दुनिया की समझ है। फॉलोवर तो हम समझ एक ही के हैं ना, एक ही परमेश्वर, और कलीसिया भी एक ही। बाइबल क्या बताती है, हम मसीह में एक देह है, वन बॉडी इन क्राइस्ट। लेकिन हम नहीं है, एक को तकलीफ हो रही है तो दूसरे को क्यों नहीं हो रही, एक पाप में डूबा है तो दूसरा क्यों नहीं चाहता उसका सुधार। वो बस भाषण देते हैं दोष नहीं लगाओ, ये नहीं करो, तुम जज करने आ गए, फलाना आ गए, वचन से हटके चले हुए हैं। लेकिन आत्मा की बातें ना बोली जाए, करेक्शन नहीं चाहते, सुधार नहीं चाहते, इसलिए प्रभु कह रहा है वो गिफ्ट खोल लो, खोल लो। गिफ्ट खोलोगे तो क्या होगे, हो सकता है आप इंसान की बात पर यकीन नहीं करें, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तो जीवित हूं, तुम्हें दिखाऊंगा सुनाऊंगा बताऊंगा। देखो आप बाइबल, मुझसे प्रार्थना कर, बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊ, स्वर्ग की कुंजी दे दूंगा, ये लिखा है स्वर्ग की कुंजी आपको और मुझे, अयोग्य लोगों को। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, और मैं बहुत छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगी। धन्यवाद फिर से देना चाहूंगी मैं सिस्टर सोना मसीह किशोर भाई का, और आपके स्पीच से जितने भी लोग जुड़े हैं,
जितने भी युवा जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रबलता से इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, स्पेशली इन बच्चों की आवाजों को अभिषेक से भर दे। जहाँ जहाँ ये गाने सुनाई दे वहाँ वहाँ प्रभु की आत्मा का कार्य हो, चंगाई हो, लोग शिफा पाएं, लोगों के मन टूट जाएं, लोग अपने फिर जाएं प्रभु के राज्य की ओर। तो दुआ में जाएंगे और मैं माफी चाहती हूँ जो भी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रह गए हों, तो सेशन के बाद भी एक दो दिन बाद तक भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं उन सभी विषयों पर। आप हमें, हम आपको प्रार्थना में उठाए रहें ताकि प्रभु का जो प्रकाशन है, जो नहीं जानते सो नहीं जानते वचन कहता है, उनके लिए मूर्खता की बात है, लेकिन आप और मैं जो जानते हैं वो कह रहा है अब अंत के दिन है ये, मैं बहुत तायत से अपना आत्मा उंडेलूंगा। रिसीव करिए, रिसीव आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और साथ में है वो जो कलीसिया की उन्नति के लिए, यानी वो अपने तक मत रखो। आपने नजात पा ली, आपको चंगाई का वरदान है, आप अन्य भाषा बोलते हो, आपको आत्मा की परख है, जो भी कुछ ना हो वो बांटते रहो, एक को, दो को, तीन को, एटलीस्ट अपने बच्चों को, अपने जवानों को, ताकि हम फैलाते रहें उस सारे अभिषेक को। प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, इसके नाम में ही अनॉइंटिंग की बात है, अभिषेक की बात है। प्रभु जी बहुतायत से और बहुतायत से अभिषेक में निरंतर बढ़ाते चले जाइए। धन्यवाद देते हैं अब तक जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, उन सबको आशीष दीजिए आने वाले दिनों में ये पेज बढ़ता चला जाए, इनकी मिनिस्ट्री पर, इनके परिवार पर, इनकी हर एक चीज पर आशीष। बहुत सारे लोगों के अनस्पोकन रिक्वेस्ट होंगे प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक हाँ और आमीन में पूरी हो। और खास तौर से प्रभु जवानों पर जो आपका अभिषेक है बहुत प्रबलता से बढ़ता चला जाए, आने वाले दिनों में हम देखें बहुत सा फल लाने वाले, देखें हम सबको हर एक बीमारियों, हर एक परेशानियों से बचाकर, जहां जहां चंगाई चाहिए प्रभु अपनी शिफा का हाथ रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, इस सारी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपके प्रकाशन के लिए, आपके जीवित वचन के लिए। हम जैसे अयोग्य लोगों की जुबान को इस्तेमाल करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अपने आप को आपके पाक हाथों में सौंपते और चाहते हैं आने वाले दिनों में हमें हर एक को प्रबलता से इस्तेमाल कीजिए, हम के वचन की गहराई में बढ़ते चले जाएं, आत्मा के अभिषेक में बढ़ते चले जाएं, और तेरा जो वायदा है अब समय शुरू होगा प्रभु, साइंस वंडर्स और मिरेकल्स का, जो बहुत तायत से देगा तू, हर एक के द्वारा देगा, बच्चों के द्वारा देगा, बूढ़ों के द्वारा देगा, और मुफ्त में देगा, ताकि आपके नाम से जो ये चल रहे हैं शैतानी कार्य सारे बंद हो मसीह यीशु के नाम में। जो आत्मा खेदित है प्रभु सारे खेद प्रभु तो प्रकट कर अपने लोगों के ऊपर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप जितने भी लोग आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े, ये एक आशीषित वक्त था, जितने भी लोग आप मेरे साथ जुड़े कि हम कलाम की उन गहरी बातों को समझ सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और फिर नए प्रकाशन के साथ हमको मिला है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।